किसी के जाने पे कोई जिद करे तो कोई मर जाता है, लुट जाता है। आदमी तो वेट कर रहा है कि ये निकले, मैं दूसरी के पीछे जाऊं। झूठ बड़ा चलता है। हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि सत्यमेव जयते, और हमें झूठ भी बचपन से ही पढ़ाया जाता है, और सबसे पहले पढ़ाते हैं माँ बाप। अगर कोई दरवाजे पे आया ना तो माँ बाप से कहते, बेटे बाहर शर्मा अंकल आएंगे, फटाफट जाके उनको बोलते ना पापा घर पे नहीं है। है ना, बच्चे मन के सच्चे, अंकल पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। आजकल तो बच्चे बड़े शातिर हो गए, उनको आप एक चीज सिखाओ ना कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो पलट के सवाल पूछते हैं। तो फिर आप बताओ आपकी एज क्या है मम्मी? माँ फिर झट से दूसरी बातें सिखाना शुरू करती, बेटे नू बड़ों से उनकी उम्र नहीं पूछते। तो आप बड़ी हो, चल अंदर जाके होमवर्क कर, मैं चप्पड़ मारूंगी। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों से झूठ शुरू होता है। कभी कभी बीवी तैयार होकर आती ना तो अपने हस्बैंड से पूछती है, कैसी लग रही हूँ मैं? हस्बैंड बिना देखे बोलता, क्या बात लग रही हो, कमाल लग रही हो। उसको भी लगता है कि ये अपने आप को ही देख रही होगी। लेडी तैयार हो रही तो किसी और को देखी नहीं, लेकिन बीवी है वो, एक आंख से अपने आप को देखती, दूसरी आंख से शीशे में पति को देख रही होती। वो मेरी तरफ देख के बोलो कैसी लग रही हूँ मैं? अरे आज पहली बार थोड़ी देख रहा हूँ, हमेशा ही खूबसूरत लगती है। और झूठ। और जो प्रेमी जोड़े बेबी जानू डार्लिंग कह के बातें करते हैं, ये जरूरी नहीं इनका बड़ा प्यार हो। इनकी कभी आप लड़ाई देखना, इनकी स्क्रिप्ट झट से चेंज हो जाती है। बेबी कब सुअर और जानू कब कुत्ता बन जाता है, और डार्लिंग कब चुड़ैल बन जाती है, पता भी नहीं चलेगा आपको। जो बीवियां अपने पति को सोना सोना बोल रही होती है ना, लड़ाई होते एकदम ताने मारती, तांबे जैसा मुंह है तेरा, शर्म कर, तेरे से शादी कर ली मैंने। आपको पता है झूठा आदमी बादाम सबसे ज्यादा खाता है, क्योंकि उसको याद रखना पड़ता है मैंने कब झूठ बोला था, क्या झूठ बोला था, कहां झूठ बोला था। मान लो अगर कोई आदमी ऑफिस से छुट्टी के बाद सीधा दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला गया, और घर पे बीवी एक महीने से इंतजार कर रही है कि पति को टाइम मिले तो हम फिल्म देखने जाएं, वो घर जाके झूठ बोलता है, फिर आज तो ऑफिस बॉस ने आज तो बहुत हालत खराब कर दिया। अब बीवी ने 4-6 फोन भी किए होते पूरे दिन में, उसको याद रहता है, तुम तो कह रहे थे बॉस आज जल्दी घर चले गए। हाँ तो जल्दी जाके जल्दी आ गया वो वापिस। उसकी बीवी टिकने कहाँ रहती है घर में? उनका प्यार हमारी तरह थोड़ी ना, जैसे हम प्यार करते हैं बेबी। चलो तुम देखो बेबी का, बेबी बच्चा आके पोल खोल देता है, पापा चले सूर्यवंशी देखने। हाँ बेटे जाएंगे, बहुत अच्छी फिल्म है पापा, उसमें रणवीर सिंह अजय देवगन भी है ना। हाँ बेटे वो तो लास्ट में आते हैं, बीवी की घंटी बजती है, तुम्हें कैसे पता वो लास्ट में आते हैं? ट्रेलर नहीं आया उसका, उसमें देख के पता चल ही जाता है। बीवी कह रही 10 साल से मैं तेरे साथ रह रही हूँ, मुझे तू आज तक समझ नहीं पाया, 2 मिनट का ट्रेलर देख के तेरे को सारी फिल्म समझ में आ गई। बंदे कई ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए बड़ा झूठ बोलते हैं। कोई अगर सोचता मेरा ताऊ तो है नहीं तो थोड़ी देर के लिए मार देते तो क्या जाएगा, तो वो जाके बॉस को बोलते ना, सर ताऊ जी जाना पड़ेगा। आदमी छुट्टी देता है यार, इमोशनल हो गया, रो गया, उसके बाद सीधा दोस्तों के साथ पार्टी, कोई ना कोई दोस्त फोटो खींच के हैशटैग हैप्पी बर्थडे दिलीप डाल देता है, अगले दिन बेचारा पकड़ा जाता है, फिर बॉस बुलाता है, बात सुनो ये तुम्हारे जहां ताऊ के मरने के बाद पार्टी करते हैं। नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, हाँ आपसे किसने कहा? मैंने तुम्हारा फोटो देखा था कल, हैशटैग हैप्पी बर्थडे दिलीप, वो क्या था? वो सर ताऊ जी कह के गए थे कि दिलीप की खुशियों का ध्यान रखना, तो हम संस्कार के बाद सीधा हैप्पी बर्थडे दिलीप करने गए थे सर। रिश्ते करवाते वक्त लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, कोई पूछे ना आपका लड़का क्या करता है, तो जो रिश्ता करवाता है वो सबसे ज्यादा बोलता, लड़का एक्टिंग लाइन में है, लोगों को लगता है बड़ा मॉडल होगा, पूरा नहीं बताता कि लाइन में लगा है, नंबर पता नहीं कब आएगा। मुझे तो एक्चुअली खुद नहीं पता चलता कि झूठ बोलने के ज्यादा फायदे हैं कि सच बोलने के ज्यादा फायदे हैं। कोई आदमी आपके पास उधार मांगने आ जाए, आपको बोलना ही पड़ेगा कि भाई मेरी अपनी हालत बड़ी खराब है, तेरी भाभी को खट्टे डकार आ रहे, मैंने खुद लोन लिया हुआ है, तभी हटेगा वो। अगर आप बोल दो कि मेरी जेब में 5 लाख है, मैंने फ्यूचर के लिए सेव करके रखे हैं, अगले 15 मिनट में आपका आधा फ्यूचर उसकी जेब में आ जाएगा, आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, तो कभी कभी बोलना ही पड़ता है। और कई लोग तो इतने फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, हाई लेवल के बेईमान होते हैं, वो एग्जाम के झंझटों में पढ़ते नहीं, सीधी नकली डॉक्टर की डिग्री ले लेते हैं, वो फिर स्थाई हॉस्पिटल नहीं बनाते, वो गाड़ी लेके ना कोई उसको कवर करके उसके अंदर बेड डाल के मोबाइल हॉस्पिटल बनाते हैं, ताकि अगर पुलिस आए तो हॉस्पिटल स्टार्ट ही रहता है कि अगर पुलिस आए तो फटाफट हॉस्पिटल लेके निकलो,
और कभी कभी उनको पुलिस पकड़ ले तो वो भी पकड़ के पीट के उसके बाद बताती है, ये देखो तेरी जाली डिग्री है, इस पे भी क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। तो सत्य की हमेशा जीत होती है, ऐसा हमेशा कहा जाता है। अर्चना जी, आज मैं सच्चाई की जीत की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 3 साल पहले इसी सब्जेक्ट पे एक फिल्म आई थी सत्यमेव जयते, और बड़ी कमाल की फिल्म थी, लोगों ने बड़ा प्यार दिया उस फिल्म को, और अब उसी फिल्म का सीक्वल आ रहा है सत्यमेव जयते 2। फिल्म रिलीज हो चुकी है, बड़ी कमाल की फिल्म है। तो चलिए हमारे आज के मेहमानों को यहाँ पे बुलाते हैं, तो प्लीज वेलकम मिस्टर जॉन अब्राहम एंड दिव्या खोसला कुमार। आपके अखरोट कैच, देखा खाने पीने वाली चीजें, दोबारा एक और लो। तेरी थ्रो बहुत खराब है। आपकी नियत खराब थी एक्चुअली। एक बार जोरदार तालियां जॉन और दिव्या के लिए। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जॉन भाई, हमेशा की तरह कमाल के फिट लग रहे हैं आप, और भी ज्यादा फिट लग रहे हैं। थैंक यू। और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। इस बार तो आप भी हाथापाई कर रही हैं फिल्म में। जी जी, आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हम ना इतना, मतलब इतनी स्वीट हैं दिव्या जी। हाँ, बंदे पीट रही हैं आप, इसलिए आप कुछ उल्टे क्वेश्चंस मत करना आज। तो इसी आपकी बात के ऊपर मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इस फिल्म में जॉन ने 3 रोल किए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इन्होंने 3 रोल करके तिगुना पैसा ले लिया और फिर आपको लगा हो कि ओफो बजट बढ़ गया अब तो मुझे हीरोइन आना पड़ेगा, ऐसा कोई प्लान तो नहीं था आपका? क्या यार, क्या आई थिंक मिलाप का विजन था कि उन्होंने जॉन को जो कास्ट किया, आई वाज आल्सो सो इम्प्रेस्ड जॉन की डेडिकेशन से, बिकॉज इन्होंने इतने अमेजिंग वे से तीनों रोल्स किया और इतने अलग है तीनों रोल्स में, और मेरा सौभाग्य कि मुझे जॉन के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत मजा आया, एंड नाउ वी आर जस्ट लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। अब दर्शकों को भी बहुत मजा आने वाला है। मैंने एक चीज देखी अर्चना जी, जब कोई एक्टर जब फिल्म करनी होती है उनको तो 1.5-2 महीने पहले थोड़ी डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जॉन ऐसे वाहिद इंसान है, ये 24/7 हमेशा 6-pack, 8-packs, मतलब थाईलैंड में जैसे वो शॉप्स नहीं होती सारी रात खुली रहती, कभी भी अवेलेबल बियर ले लो आप, ये वैसे बॉडी बिल्डर है, मतलब 24/7। सर क्या राज है इसका, आपने घर में जिम बना रखा है कि जिम में घर बना रखा है? जी, घर में जिम है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं हमेशा अक्सर हमारे इंडस्ट्री में भी नहीं लेकिन बाहर भी, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो मैं हूँ, और वो हमेशा ऐसे 24/7 होना चाहिए, अपने डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए आपको जी, और कोई भी यहाँ अपने ऑडियंस में अर्चना एनीबडी कोई भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है कम्प्लीटली। मुझे बहुत जरूरत है, टेल मी हाउ यार जॉन। इट्स इजी आपको, मतलब उसके बाद यू वोंट इवन रिक्वायर मैप ऐप बिकॉज़ यू विल हैव इट ऑल योर। दैट्स अ गुड वन। तो इसलिए कहते हैं कि घर में किचन छोटा करो, जिम बड़ा करो आप। तो जिनके घर में किचन होते हैं उनके पेट बढ़ते रहते हैं, इनके घर में जिम, इनके डॉले बढ़ रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि ये रात को जब बाथरूम करने जाते हैं ना, जाते जाते 2 सेट डंबल के मार लेते हैं और वापस लेटने से पहले फिर एक चेस्ट प्रेस मार के फिर सोते हैं। और अच्छा, ये मजेदार बात एक और है कि लोग बोलते हैं ना भाई कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो आपको नॉन वेज खाना जरूरी है, ये आपके सामने जीती जाती मिसाल है, ये प्योर वेजिटेरियन है। तो भाई ये अफवाह है कि
प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है जो वेज डाइट करते हैं. नहीं, इट्स एक एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है. तो मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी, जानवरों को खिलाते फिर जानवरों को मारते खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है. लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेड़ से. राइट. तो आप वो मिडिल मैन है, उसको हटा दीजिए और आप. Some of the strongest animals in the world, जैसे हाथी है, घोड़ा है, सारे वो तो घास पूस ही खाते हैं यार, वो तो वेजिटेरियन है. और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्टर्स का हमेशा ये होता है कि हम लोग सीजी करते हैं, बॉडी सीजी से बनती है, स्पेशल इफेक्ट से बनती है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज 24/7. क्या बात है, वाओ. ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बॉडी दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अगर आप हेल्दी खाए 24/7, अगर आप डिसिप्लिन रखे, तो हर कोई अपने ऑडियंस में जॉन अब्राहम जैसी बॉडी ला सकता है. क्या बात है. अब कपिल की बारी. मैंने नीचे कुछ पहना नहीं हुआ. जॉन अब्राहम है. पर भाई ने बात बड़ी अच्छी करी कि जानवरों के ऊपर जो क्रूरिटी होती है. Yes. मैंने अभी ना एक दो वीडियोस देखे, लोग खाली इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए एक ने किसी तो डॉग को शूट कर दिया. और फिर एक एक और घटना सुनी हमने साउथ में, शायद पता नहीं कहाँ पे. तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें. वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी, तो ये ना करें आप. थैंक यू. और कपिल, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जॉन अब्राहम हो या कोई भी एक्टर हो, जब भी वो कोई बोलता है तो ठीक है, लोग सुनते हैं, ठीक है, लेकिन कपिल जब भी बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं. सो कपिल भाई, और मैं सोच रहा था कि जॉन भाई की हाइट इतनी है, बॉडी बॉडी अच्छी है, वेट पता नहीं कितना होगा. मैं आज आपका वेट चेक करना चाहता हूँ भाई. मशीन मंगवाएं, प्लीज मंगवाइए जरा. मशीन आ गई भाई, आइए जरा. दिव्या जी के साथ, मेरे साथ ही करना है. दिव्या जी का भी चेक करते हैं वेट जी. तो हेलो बोल रहे हैं. हेलो बोल रहा है. हाँ, बस नमस्ते करके चढ़ जाइए. नमस्ते. How much? 84. मेरे से भी कम. वाओ. मेरे को लगा हाइट ज्यादा, वजन भी ज्यादा होगा. Also, John. अभी तू चढ़ेगा उसपे? नहीं, मैं चढ़ता हूँ एक बार. मैं आपका भी चेक करना है एक नहीं, बार. मैं नहीं, आ रही. नहीं नहीं नहीं, मैं अरे मशीन तोड़ने, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है आपके वेट में. वो मेरे को सिद्धू जी कह रहे, तुझे पता नहीं मुझे कितनी भारी पड़ी है ये. तो मैं उस हिसाब से मैं अपना चेक. कौन सा सही है, कितना है? नॉट बैड. और नहीं है ऐसा ही, मतलब 95 कपड़े वड़े पहने ना इसलिए. कितने कितने? तो कहने का मतलब ये है, बता तो कितना. काफी है. मैं ये बोल रहा हूँ कि फिल्म में जॉन भाई बोल रहे ना कि 56 किलो का डॉला. हाँ. तो 56 किलो का तो डॉला ही हो गया भाई, बाकी की बॉडी का क्या हिसाब है? ऑडिट करना है हमें. आइए भाई बैठिए प्लीज. आपने नहीं चेक करना वेट? नहीं नहीं, मेरे को नहीं कराना. हाँ. दिव्या जी, आपको पता है आज आप आ रही थी, हमने 20 लाइटें कम करवाई हैं. क्यों? क्योंकि आपका अपना ही ग्लो इतना है. हाँ. तो मेरे को ये पूछना था, ये अच्छी डाइट से आता है कि जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है वैसे ही ग्लो होता है? मुझे माफ करिए प्लीज. इसकी नजर ना सबके पैसों पर ही होती है. अक्षय आता है, उसके पैसों पर नजर, अब आपके पैसों नहीं पर. तो नजर. फिर आपके चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं? आपके पास भी तो है. नहीं नहीं, कहां. कितना कितना क्यों अर्चना जी, इट्स नंबर वन शो, कितना कमाते हैं? नो अरे पूछो मत. मैं तो फिर भी बड़े बड़े लोगों पर नजर रख रहा हूँ ना, कि टी सीरीज वाले हो गए, अक्षय कुमार हो गए. ये तो कल क्या पूछ रही दिनेश को, सुन ये पांडे कितना लेता है ड्रम बजाने का? ये अगर मैं अपनी कुर्सी के आगे ड्रम रख लूं तो वो पैसे मेरी पेमेंट में ऐड हो जाएंगे. ये आप करते हो, आप हमारे म्यूजिशियन भाइयों की पेमेंट में नजर रखते हो. दिव्या जी सीरियसली, आप मतलब मैं अभी अभी मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, आपकी डाइट क्या है? मतलब बड़ा ग्लो करती हैं आप. नहीं एक्चुअली मैं बिल्कुल यू नो आई एम वेजिटेरियन अगेन. अच्छा जी. और मैं घर का खाना खाती हूँ, रोटी दाल सब्जी चावल, डाइटिंग कभी भी नहीं करती. इनफैक्ट जॉन ने देखा है मैं सेट पे क्या क्या खाती हूँ. सब कुछ खाती है सर. अच्छा.
मैंने तो सुना है ये भूल जाते खाना खाना कभी कभी इन्होंने बंदा रखा हुआ है याद दिलाने के लिए ये बात सही है हाँ, बंदी रखी हुई है अच्छा लेकिन बंदी रखी हुई है याद दिलाने के लिए कि खाना खाना हाँ, लेकिन खाती सब तो इतना पैसा है कि गिनने में टाइम ही नहीं लगता खाना ओहो मुझे माफ करना हे देवी आपको खाने में इंटरेस्ट है या पैसों में नहीं नहीं पैसों में देखिए चलो हम एक और अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं तो मैं यही पूछ रहा था जो आप चीजें खाती हैं तो उनको आप पेमेंट कैश में देती हैं चेक में ये ना ये हमारी जो टीम है ये करवाते हैं मुझसे ऐसे सवाल इनको ये जो सामने दो लोग बैठे ना एक चश्मा लगा के और एक जैकेट पहन के आई थिंक आई रियली फील यू नो कि पैसे से कभी भी ऐसा ग्लो नहीं आ सकती पैसे से कंफर्ट जरूर मिलते हैं पर खुशी नहीं मिलती क्या बात तो अगर आपको खुश रहना है और चेहरे पे ग्लो तभी आती है जब आप अंदर से खुश रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं एंड यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब पॉजिटिव रहें खुश रहें और पूरा वर्ल्ड भी पॉजिटिविटी की तरफ जाए तो तभी ग्लो आएगी जब दिव्या जी लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी ना जॉन भाई तो इन्होंने कहा था कि ये भूषण जी को प्यार से गुल्लू बुलाती हैं तो देखिए अब ये पब्लिक क्या एंजॉय करती है ऐसी बातों को तो मेरे को ये पूछना था कि जैसे अब ये फिल्म टी सीरीज की है तो आपने पिक्चर प्रमोट करने आई हो अपने उसी पिक्चर की बात कर रहे हैं कि जैसे अब सत्यमेव जयते टी सीरीज की फिल्म है तो आपने इसमें काम किया है या उनकी कोई फिल्म डायरेक्ट करी तो आप अपने काम का जब पैसा लेने जाती है वहां पे तो भूषण जी प्रॉपर पेमेंट करते हैं कि बोलते हैं अरे मेरे तुम्हारा गुल्लू मुझे जो कॉल है वो एमए से आया था क्योंकि एमए की प्रोडक्शन थी तो सब चीजें जो पेमेंट्स है वो एमए की तरफ से हुई थी इनफैक्ट जॉन को भी एमए की तरफ से चेक्स मस्ट हैव कम सो नेगोशिएशन एमए के साथ हुई थी अच्छा जी 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 पर दिव्या जी बड़ी स्वीट है वो सीरियसली जवाब दे देती कि ऐसे हो रहा है हम तो ऐसे मजाक में पूछ रहे थे आप सबने देखा होगा ट्रेलर में सत्यमेव जयते 2 में जॉन जो है वो बंदे को बाइक समेत उठा के फेंक रहे हैं तो एक हमारे दोस्त हैं पंजाब में उनका एक सवाल था कि क्या किसी महिला को सोफा समेत उठा के आप मडाइल रख सकते हैं वो मतलब एक हमारे दोस्त है उनका ये सवाल था कभी नहीं करेगा ऐसा कभी नहीं करेगा उनके भी बड़े पुराने रिलेशन है सिद्धू जी के साथ कर भी सकते हैं कोई हमारे साथ भी है परमीत और मेरे साथ भी बहुत अच्छे रिले है ना एब्सोल्युटली वाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाना गाने का दिल कर रहा था ऐसे गाने सुनते हैं आप कभी आपके घर में कभी बजते हैं ऐसे गाने फिर पैसों पर आ गया तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा है हाँ, देख, अब आई कि नहीं आपके मुंह पे पैसे वाली बात मैंने तो एक ही लाइन बोली देखो आप पूरी कन्वर्सेशन से अर्चना जी मालूम ये पड़ रहा है कि मनी माइंडेड कौन है देख सुन ले तेरे को बोल रही है मुझे नहीं बोल रही है जैसे भी हमने खुद की कुर्सी हमने बैठने के लिए लोग तो नहीं उठाए ना पता मुझे ना काफी लोग बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती जब वो सिद्धू वाले जोक्स मारते हैं आई डोंट नो व्हाई बट आई फाइंड देम वेरी फनी चेक भी तो बनी रहे हैं उसमें तो जॉन भाई आप डेली एक्सरसाइज करते हैं आप वैसे कितने पुशअप मार लेते हैं मैक्सिमम अल्ला पता नहीं मतलब मूड के ऊपर डिपेंड होता है या उस दिन अगर मैं चेस्ट का कर रहा हूँ तो उसके ऊपर डिपेंड होता है तो आज यहाँ पे आप हमारी जनता के लिए पुशअप्स कर सकते हैं हाँ अगर आप करोगे मेरे साथ मैं आपके साथ कर सकता हूँ ट्राई तो करो ट्राई कर सकता हूँ और तो क्या आप स्टार्ट लो आप जब 10 कर लोगे फिर मैं आऊंगा आ जाओ कपिल ओके जी आप अभी वैसे ही रहना कम है हाँ ऐसे रहना क्या मैं हंसी मजाक में मूड में था अभी मैं हाँ हाँ तो ये था वार्म अप आपको अर्चना जी को अपनी पीठ के बिठा के करना है पुशअप उनको पता है पॉसिबल ही नहीं है वैसे मैं परमीत की बात बता दूं दैट व्हेन वी गॉट मैरिड
तो मैं एक ऐसे अपार्टमेंट में रहती थी जहाँ पर चार माला कोई लिफ्ट नहीं थी, तो परमीत जी हैज लिफ्टेड मी लाइक दिस एंड कैरिड मी अप फोर फ्लोर्स. वाओ, पहले दिन लेके गए होंगे. हाँ. उस दिन हो जाता है. दिव्या जी एक बात बताइए, आप जैसे कभी जा रही हैं गाड़ी में तो आपके ड्राइवर ने ऐसा हुआ कभी उन गुनगुनाना शुरू कर दिया हो और आपने कहा अरे वाह आप तो अच्छा गाते हैं और फिर उसने कहा मैं तो आया ही सिंगर बनने था. तो ऐसा होता है कभी आपके साथ, कभी आपके स्टाफ में इतने सारे लोग हैं? कभी नहीं. मेरे को तो कोई बता रहा था, कहते कि टी सीरीज के ऑफिस में या घर पे ड्राइवर है जितना भी स्टाफ है वो सारे पहले सिंगर बनने आए थे. ओ गॉश. हाँ, मुझे सडनली याद आया कि एक ड्राइवर था जिसने मुझे अपनी सीडीज दी थी. अच्छा. एंड देन ही वाज फ्रॉम उत्तराखंड. अच्छा. और वहाँ पे उन्होंने गाया था तो उनको दिया भी था, हमने थोड़ा बहुत काम दिया था, एक्टिंग का काम भी दिया. अच्छा. या वाओ, तो फिर हम आपके ड्राइवर लग सकते हैं. आप तो वैसे ही स्टार हो. तो जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आप बाहर से ऑर्केस्ट्रा बुलाते हो कि बोलते हो रुको गुरु रंधावा बादशाह नीचे बैठे हैं, इनको बुला लेते हैं? ऐसे ही करते हैं. हमें सच में बड़ा प्राउड होता है. मैं भूषण पाजी से जब भी मिलता हूँ और मैं हमेशा ये बात उनको भी बोलता हूँ कि उन्होंने अपने पिताजी की लेगेसी को जो आगे बढ़ाया है और बहुत मेहनत का काम है और आज टी सीरीज जो है वो हमें बड़ा प्राउड एक्चुअली, तो हम इसलिए बातें करते रहते हैं. जॉन भाई, एक सिंपल सा सवाल है, अगर किसी आदमी को एक महीने में 5 किलो वजन कम करना हो तो क्या करना चाहिए? आपको करना है? हाँ. हाँ, वो एक आदमी मैं ही हूँ. एक्चुअली करना तो मेरे को 2 महीने में 10 किलो है. हाँ. कुछ है, कुछ काम कर रहा हूँ, पकड़ा बाहर का काम भी. हाँ, मुझे पता तो है. 5 किलो कम करना हो तो क्या करना चाहिए? वेरी सीरियसली, शो के बाद मैं आपको एक पूरा डाइट में लिख के दूंगा. पक्का? लिख के दूंगा और अगर आप उसको ठीक से फॉलो करोगे यू विल लूज वेट. 5 किलो हो जाएगा एक महीने आराम से. देखो मेरी स्टार्टअप, जॉन अब्राहम इज माय डाइटिशियन. बड़ा सीरियस सवाल, हमारे शो में ऐसे सवाल होते नहीं, पर आप आए हैं तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा. बीच में ना भाई एक दो ऐसी न्यूज आई, एक तो साउथ के कुछ बहुत बड़े स्टार थे, ऐसा न्यूज में सुना हमने कि जिम करते वक्त उनको हार्ट अटैक आया या कुछ हुआ, और आप फिटनेस में इतने सालों से लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप जेन्युइनली जो फिटनेस के शौकीन है जो जिम जाते हैं उनको बताएं कि कितना वर्कआउट करना जरूरी है, सप्लीमेंट्स किस मात्रा में खाने चाहिए, जो भी आपकी नॉलेज में चाहता हूं कि लोगों को फायदा हो. मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप तेल पानी के ऊपर डालते हो, पता है क्या होता है, तेल को बबल्स फॉर्म होते हैं ऊपर. राइट राइट. पानी के ऊपर बबल्स फॉर्म होते हैं, तो जब भी आपका डाइट अच्छा नहीं होता है तो वो तेल आपके खून में वो बबल्स फॉर्म करते हैं, उसको ट्राइग्लिसराइड्स बुलाते हैं. और जब भी आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपका जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ पंप होता है, तो वो खून यहाँ तक आता है, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो बबल्स है वो यहाँ पे आके रुक जाता है. अच्छा. और वो ब्लड को यहाँ पे रोक देता है, उसको क्या बुलाते हैं, हार्ट अटैक. उसको हार्ट अटैक बुलाते. तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप डाइट सही रखो जी और व्हेन यू आर इन स्ट्रेस आप वर्कआउट नहीं करें तो बेहतर होगा. ओके. क्योंकि आदमी जब भी बहुत थक जाता है उल्टा सीधा शायद खाता होगा. राइट. नेक्स्ट डे जिम में जाके वो एक्स्ट्रा करेगा. ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं वो बैठ के एकदम 3 सेकंड के अंदर बाप रे ऐसे गिर सकता है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप वर्कआउट सही टाइम पे करें और 2 घंटा वर्कआउट करने की जरूरत है नहीं, 30 मिनट्स बस. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी तो मैंने सोचा था जब आप आएंगे तो आपसे पूछूंगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? हुआ ये कि मैं लंदन से आया, सोचे कि यहाँ से कुछ सुवेनियर लंदन लेके जाएंगे. हाँ. तो मैं इंडिया में इधर एक गाय खरीदे. ओके. ये आदमी मेरा नेबर है, मेरे को देखा देखी इसने भी गाय खरीद लिए. तो मैं बोले ये दोनों गाय में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. हाँ. तो मैं अपने गाय के गले में एक घंटी बांध दिए. अच्छा. अगले दिन में क्या देखते हैं, ये भी अपने गाय के गले में घंटी बांध दिए. मैं सोचा अभी कंफ्यूजन रहेगा तो मैं अपने गाय के ऊपर रेड कलर का ऐसा क्रॉस बना दिए. हाँ. अगले दिन मैं देखे ये भी गाय के ऊपर रेड कलर का क्रॉस बना दिए. फिर मैं अपने गाय के पैर में पायल बांध दिए. अगले दिन ये भी अपने गाय के पैर में पायल बांध दिए. कंफ्यूजन. कोई और निशानी तो हो सकती है? और कोई निशानी? हाँ?
मेरे को सोचने दो यार, क्या निश ए ब्रो, एक और निशानी है क्या? अभी मैटर क्लियर हो जाएंगे। सफेद वाली गाय मेरी, काली वाली तेरी। लेकिन दूध का क्या करेंगे? दूध तो दोनों गाय सफेद देती हैं। ए यार, ये फिर कंफ्यूज कर दिए मुझे। दूध में तो हम लोग घंटी भी नहीं बांध सकते हैं। यार तुम जाओ, मैं कोई रास्ता ढूंढते हैं दूसरा। ठीक है, ढूंढना है। मैं सोचेंगे। Oh man, life is so tough, I tell you. It's so tough. मैं क्या बोलेंगे? वही से yeah guys, welcome me. आचो यादव in the house. Divya, Khosla, Kumar in the house. John Abraham in the house. एक मिनट. मैं ट्रेलर में देखे उधर तीन तीन जॉन एब्राहम थे, इधर एक ही है। अरे तीनों जॉन यही थे। नहीं 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 ब्रो, ऐसे मत करो, मेरे को कंफ्यूज मत करो। मेरे को प्रमोशन किसके करने है? ऐसा ना हो कि इधर पिताजी आए हैं, मैं जुड़वा भाई को प्रमोट कर दिए। जैसे आप ट्रिपल रोल कर रहे हैं ना, ये भी ट्रिपल रोल करते हैं, बस फर्क ये है कि इनके अंदर ही है सारे। जॉन जी, दिव्य जी, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं मोटा है नहीं। अच्छा, मैं है नहीं? नहीं, वो तो मैं कुछ दिन से जिम नहीं जा पाया है ना, इसलिए थोड़ा ब्लोटिंग हो गया है बॉडी के। कितने टाइम से नहीं गए जिम? ये अपना लॉकडाउन को कितना टाइम हुए? दो साल। हाँ, तो उसके 30 साल पहले से नहीं गए मैं। मैं आपको फ्रेंकली बताई जॉन जी, मैं फिल्मों में आने वाले थे, पर फिर बाद में मैं आपका बॉडी देखे और आजकल जितना नया हीरो लोग आ रहे हैं, मैं उनका बॉडी देखे। अच्छा। मैं बोला मेरे से नहीं होगे, इसके लिए मैं इधर ये शो में आ गया, इधर किसी का बॉडी नहीं है। ये देख लो, ये देख लो, वो देख लो, इधर बॉडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वैसे जॉन जी, मेरे को बताइए क्या लेंगे आप कॉफी लेंगे, टी लेंगे? दिव्या जी से भी तो पूछो। मैं इनसे क्या पूछे, इनके पास तो टी का पूरा सीरीज है। मैं सच बता रहे है, जितने कमाल कमाल के गाने हैं, अच्छे अच्छे गाने सारे टी सीरीज के पास है। और एक तो कमाल का बात मैं बताऊं आपको, हाँ। अब एक टिप्स का गाना है, वो भी टी सीरीज के पास है। कौन वैसा कौन सा गाना है? टिप्स टिप्स बरसा पानी। अरे वो, नहीं वो टिप टिप बरसा पानी है ब्रो। जोक के लिए थोड़ा बाहर जाने पड़ते, जाने दो रहे करने पड़ते हैं, यू नो, क्रैक द जोक। मैं इधर लंदन से आए, बताए मैं क्या करने आए के? मैं इधर आपके फिल्म का वो करने आए, क्या बोलते हैं शर्मा, चिड़िया का ये क्या होते हैं? पर पर। और जो बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, जिंदगी कितने दिन का है? चार। चार। मैं आपका फिल्म का पर चार करने आए हैं। पर चार। फिल्म को सुपरहिट करने है ना सर। हाँ। जी। आप एक काम करो खाली। हाँ। शनिवार के दिन एक मोटा आदमी को चार बियर पिलाओ। मोटा आदमी कहाँ है? ओहो हो हो हो। बियर का बात आया तो इनका मोटा आदमी दिखाई नहीं दे रहे यार। वरना सुबह शाम दिन रात, वरना इनको तो सपनों में भी खाली एक ही मोटा आदमी दिखाई देते हैं, आज नहीं दिख रहे हैं। तो करने क्या आए इधर आज? मैं इधर क्या करने आए? हाँ। मैं इधर वही करने आए जो चंकी पांडे इनके फिल्म में कर रहे हैं। क्या? चंकी पांडे इनकी फिल्म में कुछ नहीं कर रहे। तो मैं भी कुछ नहीं करने आया। कभी कुछ नहीं करके देखो ब्रो, बहुत मजा आते हैं। बहुत मजा आता है। क्यों अर्चना जी? हाँ। You're right. बहुत मजा आता है। वैसे सर, आपका फिल्म था दोस्ताना, जिसमें आप ऐसा पानी में से निकल के ऐसे किए थे। वो वाला फिल्म में आप मेरे को बताइए, आप ब्लाइंड मैन प्ले कर रहे थे क्या? नहीं, क्यों? अगर नहीं कर रहे थे तो प्रियंका चोपड़ा को छोड़ के आप अभिषेक बच्चन को क्यों किस कर रहे थे? Still in shock. Hey, care. मैं आप सर इतना बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अंडा तो खाते होगे? खाता था मैं। हाँ। खाते थे। मैं आपको एक वो देते हैं, वो ए बीवी के भाई को क्या बोलते हैं? साला। साला, मैं आपको एक साला देते हैं। नेक्स्ट टाइम आप अंडा खाएंगे ना, तो उसका आप येलो येलो खाओ, व्हाइट फेंक दो। बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो व्हाइट व्हाइट खाते हैं, येलो फेंक देते हैं। नहीं यार, मैं कब तक लोगों का फेंका हुआ येलो खाते रहेंगे यार। मेरे को भी कोई व्हाइट खिलाओ, मेरा बॉडी कैसे बनेंगे? वैसे मैं देखा है सर, आपका फिल्म का ये ट्रेलर में भी आप ऐसा बाइक उठाते हैं, फेंकते हैं। दूसरा पिक्चर में भी आप बाइक उठाते हैं, फेंकते हैं। एक बार मेरे घर पे आओ ना, मेरा बाइक उठा के भी फेंक दो। क्यों? पेट्रोल बहुत महंगे हो गए ब्रो। अब मैं बाइक नहीं चला सकते है। ओ,
All right, bro. Chalo. Milte hai. Thank you so much. Take care. Ciao. So, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम राइटर डायरेक्टर मिस्टर मिलाप जावेरी. मिलाप के लिए मिलाप प्लीज विराजमान हो जाइए. आपका बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया सर. बड़ी कमाल की फिल्म बनाई है आपने. लेकिन फिर भी मैंने सुना कल रात आपको नींद नहीं आई क्योंकि आपको हमारे शो पे आना था. मैं जब मिलाप से अब तो मिल चुके हम लोग एक दो बार, लेकिन पहले मैं पहले पहले जब मिला था ना, इन्होंने फिल्में बड़ी अच्छी अच्छी लिखी हैं, तो मिलाप जावेरी मैंने नाम पढ़ा तो मुझे लगा इनका कोई बड़ा सेठ होगा जिसका जावेरी बाजार में पैसा लगा होगा. मैं ये आपसे पूछना चाहता था, अगर आप कभी किसी को स्क्रिप्ट सुनाने जाते हैं किसी पहली बार नए बंदे को, तो उसको शक नहीं होता कि बंदा स्क्रिप्ट सुनाने आया कि हीरे जवाहरात बेचने आया? आपका नाम बड़ा वो अमीरों वाला है. नाम है अमीरों वाला, लेकिन मैं गरीबों का मनमोहन देसाई बनना चाहता हूँ. गरीबों का मनमोहन देसाई. तो जब मैं स्क्रिप्ट सुनाता हूँ तो कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, उनको अच्छी लग जाती है स्क्रिप्ट. अच्छा. जैसे जॉन, मैं जॉन नहीं, जान इब्राहिम, क्योंकि मेरी जान है. तो जान इब्राहिम और जो जो दिव्या, ऐसे लोगों को मैं किसी तरह कन्विंस कर लेता हूँ. तो और जब आप भूषण जी के पास जाओ तो मतलब क्या जवेरी बसा, मतलब उनकी तो अलीबाबा का की गुफा आप है. आप बताइए. हम 40 चोर है और वो गुफा है. मिलाप ने बड़ी अच्छी अच्छी कमाल की फिल्में लिखी, जैसे हाउसफुल, देसी बॉयज, ग्रैंड मस्ती. मस्ती ज्यादा तो आपने डायरेक्ट भी करी. इसे क्यों याद दिला रहे हो मुझे? मैं भी भूल गया. मेरे को आपकी टीम में से कोई बता रहा था, कहते जब आपने मस्ती ज्यादा डायरेक्ट की उसके बाद से आपने कसम खा ली कि अब कॉमेडी फिल्म तभी बनाऊंगा जब कपिल शर्मा फ्री होगा. ऐसे सर मस्ती ज्यादा के बाद मतलब मैंने मस्ती छोड़ दी. अब मैं सिर्फ लोगों को जॉन इब्राहिम के डोले बताता हूँ, या बाइक उठा लेता है जॉन लोगों के साथ, टायर फाड़ देता है, इंजन उखाड़ देता है, ऐसी उखड़ी हुई चीजें करता हूँ अब. पर ऐसी फिल्म जो होती है जब आप लिखते हैं तो पहले से कंफर्म होना चाहिए कि जॉन अब्राहम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं बाइक उठा दी, अब नवाज भाई को लेके तो आप ये सोच नहीं सकते, है ना? तो ये पहले से कंफर्म था जॉन ये फिल्म करेंगे? सर मेरा बस चले तो मेरी हर फिल्म जॉन करे. मैं जॉन से कहता हूँ कि जब जॉन 90 साल का हो जाएगा तब भी जॉन मेरी फिल्मों में कुछ उठाएगा, कुछ उखाड़ेगा, कुछ फाड़ेगा. मेरे हिसाब से जॉन अब्राहम कुछ भी कर सकता है. जॉन मेरा हल्क है. क्या बात. सो स्वीट. नहीं पर ये होता है डायरेक्टर और एक्टर में अच्छी दोस्ती हो ना तो एक दूसरे पे असर भी होता है. जैसे इनकी इतनी अच्छी बॉडी है तो आपकी भी आपकी भी फिल्म बड़ी अच्छी है. तो अच्छा हमने ना जॉन भाई सुना है कि जब विक्की डोनर बनके तैयार थी, मतलब स्क्रिप्ट रेडी थी, तो उसको कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था. फिर आपने प्रोड्यूस की और सुपरहिट हो गई. मद्रास कैफे के बारे में भी हमने ये सुना. और दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों के डायरेक्टर सुजीत सरकार हैं. तो आपको सुजीत सर पे भरोसा ज्यादा है कि सुजीत सर के पास आपका कोई वीडियो है? वो बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है. तो हम लोग एक्चुअली मद्रास कैफे पहले करना चाहते थे. अच्छा. और उस स्क्रिप्ट सेशंस के दौरान एक दूसरी स्क्रिप्ट आई हमारे पास जो विकी डोनर थी. अच्छा जी. तो सुजीत और मैंने दोनों उस टाइम पे कहा कि इसके लिए लड़का सही कौन होगा, और आयुष्मान को हमने बुलाया. अच्छा. आयुष्मान उसका वो लॉन्च था. दोनों फिल्में बड़ी कमाल थी. मद्रास कैफे मेरी फेवरेट फिल्म है. ओह थैंक यू, थैंक यू. अच्छा आप सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहते ही हैं, पर ये भी मुझे पता है कि जब आप कुछ पोस्ट करते हैं तो उसके बाद नीचे कमेंट्स के आते हैं, वो पढ़ने का टाइम नहीं होता है. हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक. ये है जॉन ने पिक्चर डाला वेटिंग फॉर वार्डरोब हैशटैग सेट लाइफ. वाह. तो आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं. बॉडी दिखाने के लिए इंसान को कैसे कैसे बहाने ढूंढने पड़ते हैं. किसी ने लिखा सर अंडरवेयर भी शूटिंग वालों का पहनते हो. <laughs>
और दिखाइए. वैलिड क्वेश्चन. आप तकिया उठाने की बजाय चादर उठाते तो पूरी दुकान ढक सकते थे. नीचे लिखा बैठे में तो ठीक है, खड़े होने के लिए आपको दो तकिए लगेंगे. वाओ, व्हाट ए क्रिएटिव. मैंने कभी नहीं पढ़ा एक्चुअली. ओह माय गॉड. और दिखाइए दिव्या का है ये फोटो. द ट्रिक टू स्टे हैप्पी ड्यूरिंग द हाउस अरेस्ट इज टू बी glued to the humor that's flowing with the situation. ये मैं बिना पढ़े भी कमेंट पढ़ सकता था. I just want to show people that I can read English. Okay, comments दिखाए जाए जरा. आप बेड की जगह जमीन पे बैठी हैं, सच में जमीन से जुड़ी हुई हैं. वाह. मुझे लगता है आपके हाथ से खर्चा ज्यादा होता है इसलिए आपके हाथ बांधे हैं. और दिखाइए. अब देख लो, हमने खर्चे वाली बात हमने नहीं की. देखो आपने बता दिया प्रोड्यूसर के हाथ भी बंदे होते हैं. नहीं जी, पति ने अपनी सेफ्टी के लिए बांधा है, मैं तो रोज ही पिटता हूं जानता हूं. कोई होगा बेचारा दुखी पति. और दिखाइए. क्लीनिंग जॉन अब्राहम एंटरटेनमेंट ऑफिस डोर्स दिस इवनिंग. हाँ, मुझे वो प्रॉब्लम है ओसीडी. मतलब मैं हर चीज को साफ करते रहता हूँ. मेरे 18 मोटरसाइकिल्स है. तो मैं अंदर जाके एक एक को पॉलिश करता हूँ और कोई हाथ भी लगाता क्योंकि मैं आधा पारसी हूँ ना. तो मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता, नहीं तो फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं. तो मैं जाके नहीं, लेकिन वो सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए है या नहीं? हर चीज के लिए. ये तो मेरा ऑफिस का दरवाजा है. ओ. क्योंकि कांच का है ना, तो अंदर आते समय किसी ने हैंडल नहीं पकड़ा. हाँ. उसने कांच पे ऐसे उंगली डाल दिया तो वो साफ कर रहा हूँ मैं. अब कमेंट्स पढ़ते हैं हम नीचे. सर, लिपस्टिक के निशान मिटा रहे हो क्या? सर, बॉडी पे थोड़ा खर्चा कम करो तो आप प्यून भी रख सकते हो. सोचो कितना बड़ा आदमी होगा जिसने जॉन को सफाई के लिए रखा है. सुपर्ब यार. सुपर्ब. और दिखाइए. डॉल्फिन. सितारा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? सितारा थिंकिंग. पर कहां? डॉल्फिन बीच समंदर में. इतना प्यारा कैप्शन लिखा दिव्या जी आपने. दिखाइए कमेंट्स. ऐसे बड़े लोगों के पूल होते हैं, हम जहां नहाते हैं वहां तो भैंस मुंह चाटती है. डॉल्फिन चेक करने आई है, उसकी स्किन सॉफ्ट है या आपकी? सच में बड़े लोग हैं, फिश से पेडिक्योर करवाते हैं और डॉल्फिन से फेस मसाज. डॉल्फिन के दांत नहीं होते दिव्या जी? हाँ, काटते नहीं है, होते हैं दांत तो. अच्छा, होती स्वीट है वैसे, है ना? डॉल्फिन बनो लाइफ में, स्वीट बनो, किसी को काटो मत. हाँ, किसी को काट के कोई फायदा नहीं, अपना अपना देखो. आगे कमेंट्स पढ़ते हैं. ये डॉल्फिन जरूर मेल है तभी इतना प्यार दिखा रहा है. ये डॉल्फिन जरूर फीमेल है, कान में चुगली करने आई है. देखो आप. और दिखाइए. मिलाप जावेरी रेडी फॉर एक्शन. सत्यमेव जयते टू क्लाइमैक्स शूट. चलिए कमेंट्स दिखाइए जरा. भाई, प्रोड्यूसर को ऐसे बंदूक मत दिखाओ. कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा कम पैसा मिला तो दूसरे में एडजस्ट कर लेना. भाई, बंदूक उठाने की क्या जरूरत है, आप फिल्म लिखकर भी प्रोड्यूसर मार सकते हो. ओह माय गॉड. और दिखाइए. मिलाप बी लाइक, बोल फिल्म देखने जाएगा या नहीं? सर, दे रहा है हीरो रीटेक दे रहा है, ऐसे गोली नहीं चलाते. ठीक से निशाना लगाना, 6 गुब्बारे फोड़ने पे कोल्ड ड्रिंक मिलेगी. और दिखाइए. ओह वाओ, दिखाइए कमेंट्स जरा. ओह, हे महापुरुष, अक्सर आपको निर्वस्त्र देखा गया है. मैं आपकी सूचनार्थ बता दूं कि मानव ने बड़ी प्रगति कर ली है, उसने वस्त्रों का निर्माण भी किया है जिसका इस्तेमाल कर आप अपना शरीर ढक सकते हैं. ऊपरी वस्त्र को बनियान और नीचे पहनने वाले को लंगोट कहा जाता है. ये प्राय हर दुकान में पाया जाता है. ओह.
So cute, yeah, this is. और दिखाइए. Superb. Very cute. Very politely he's told you where you can get the clothes also. आपने बड़े अच्छे बिस्कुट बना रखे हैं. आप बेकरी क्यों नहीं खोल रहे? जोर से खींचो ट्रेन रुक जाएगी. ये बेचारा less sense of humor होगा. Too funny. और दिखाइए. Oh, ये तो best है. अफवाहें बड़ी फैलती हैं मिलाप भाई. आपको पता है स्टार्स के बारे में अफवाहें फैलती हैं. हम लोग नहीं मानते, हम सामने से पूछते हैं. दिव्या जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि लड़की होने के बावजूद भी आपको शॉपिंग करने से नफरत है. ये बात सही है? सही है. I don't like shopping. मतलब खुद जाके नहीं करती होंगी? नहीं तो अदरवाइज आप इतनी स्टाइलिश है. भी नहीं करती. तो मुझे कपड़ों का शौक ही नहीं है, चीजों का शौक ही नहीं है. वो क्या बोल रहे हैं? शॉपिंग खरीद लेती. कुछ भी बोल रहे हैं. सुनती नहीं है ना वो बात जो उन्होंने नहीं सुननी है, नहीं सुनती है. ओके, तो आपको शौक बिल्कुल नहीं है. नहीं. तो जो आप इतने स्टाइलिश कपड़े आपके है ना वार्डरोब होता है वो सब कौन, कोई तो खरीदता होगा? नहीं, वो सिर्फ तब भी अगर कहीं जैसे कपिल शर्मा के शो पे आना पड़ता है तो देखना पड़ता है ना कि कपड़े अच्छे. वाओ. तो एक अफवाह और. अब देखिए, भूषण जी को आप प्यार से गुल्लू बुलाती हैं. तो अफवाह ये है कि जब वो आपके लिए गाना गाते हैं लैला ओ लैला तो आप बीच में कहते हैं गुल्लू गुल्लू. जवाब नहीं दिया. जॉन, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी जिस तरीके की बॉडी है, आपको WWE से भी रेसलिंग के लिए कॉल आया था और आपने मना कर दिया कि मैं बंदे नहीं उठाता, मैं सिर्फ मोटरसाइकिल उठाता हूँ. वो सही है एक्चुअली. जॉन, एक अफवाह आपके बारे में ये है कि आपने अपनी कमाई हुई सारी दौलत इन्वेस्ट कर दी है, इसलिए अधिकतर फोटोज में आपके कपड़े उतरे रहते हैं. नहीं नहीं, वो मतलब मैं सीरियसली भी कहना चाहता हूँ. वो अफवाह है. ऑफ कोर्स मैं इन्वेस्टमेंट में बहुत मानता हूँ. अच्छा जी. लेकिन ज़्यादातर NGOs में और ज़्यादा मानता हूँ कि जितना हम कमाएं एटलीस्ट 70-80% वहाँ पर जाना चाहिए. वाओ, क्या बात है. लेकिन उसके अलावा कपड़े बहुत कम पहनता हूँ मैं. हाँ, ज्यादा कपड़े है नहीं मेरे पास. आपने पिछली बार भी बताया था कि ज्यादातर आप चप्पल में भी रहते हैं. एक्चुअली चप्पल में आने वाला था मैं. अच्छा. लेकिन इस बार ही मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जूते पहन के आना. अच्छा. बहुत टाइम लगा मुझे, मेहनत है जूते पहनने. एक्चुअली ये बड़ा बड़ा टास्क होता है पहन के लेसेस बांधना. बहुत. मिलाप, आपके बारे में ये अफवाह है कि सत्यमेव जयते 1 के सेट पे आप मनोज बाजपेयी को एक्टिंग करके सीन समझाते थे तो वो आपको बोलते थे कि आप एक्टिंग मत करो नहीं तो मैं अपनी भूल जाऊंगा. ये अफवाह है कि झूठ है? सर ये अफवाह नहीं है. ये बात मुझे मनोज बाजपेयी ने कही है, ये बात मुझे रितेश देशमुख ने कही है, ये अच्छा. बात मुझे जॉन इब्राहिम ने कही, ये बात मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कही, ये बात मुझे दिव्या ने कही है. तो फिर आप कब मानेंगे? मैंने आपको कभी एक्टिंग करते नहीं देखा. वो जब समझाते हैं वो एक्टिंग ही कर रहे होते हैं. आपको पता नहीं चलता. तो दोस्तों ऐसा है, इसी के साथ हमारी सब अफवाहें समाप्त होती हैं. कहते हैं ना कि सच की हमेशा जीत होती है. तो मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहता हूं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने कहीं सच बोला हो लेकिन आपका काम खराब हो गया और फंस गए हो? आप अपने विचार पेश कर सकते हैं. जी भाई साहब. हेलो एवरीवन. हेलो सर. सर माय नेम इज यश. यश कहाँ से आए आप? सर मैं गोरेगांव से आया हूँ. अच्छा. हाँ. अकेले आए हैं? सर अकेले आया हूँ. रोका नहीं किसी ने? नहीं उसको अपनी दिल की बात मतलब बोली नहीं थी. 8th स्टैंडर्ड में भी ये सब कुछ होता है? नहीं, वो बोला पहले से मतलब पांचवी से, 5th स्टैंडर्ड से, 4th स्टैंडर्ड से लाइक करते थे आप उसको? 8th स्टैंडर्ड से आपको लाइक करती थी? मतलब 8th स्टैंडर्ड में करती थी लाइक. वो 8th स्टैंडर्ड की बात बोल रहा हूँ मैं आपको. अच्छा. अबे गोरे गांव के जॉन अब्राहम, मतलब इतने फिर नहीं सर, मतलब मैं भी लाइक करता था उसको लेकिन मैंने उसको अपनी दिल की बात मतलब नहीं बोली नहीं थी. तो अच्छा. फिर मेरे फ्रेंड्स बोले भाई तू कब तक मतलब दिल में छुपा के मतलब रखेंगे तेरे को, एक नहीं एक दिन तो अपनी दिल की बात बोलनी है उसको. हाँ, हाँ, हाँ. तो फिर मैंने उसको अपनी सच बात बोल दी तो फिर उसने भी मतलब यस था उसका. बट 2 महीने बाद में सर ब्रेकअप हो गया. क्यों? तो मतलब सर वो थोड़ा मतलब डबल डेट कर रही थी सर वो बाद में किसी को. तो फिर मेरा हार्ट ब्रेक हुआ तो फिर मैंने सच बोल के सर मेरे पैर पे मतलब कुल्हाड़ी मार ली मैंने. ओह गॉड. तो हार्ट ब्रेक जब होता है कहीं पेन में होता है कि
नहीं सर, पेन कुछ नहीं होता सर, दो दिन का होता है, बट सर अगर दिल से करते हैं तो सर सच में पेन होता है। तो मतलब जैसे कितने देर तक दर्द रहता है जब ब्रेकअप होता है, तो मैं जानना चाहता हूँ। पूरा मतलब मेंटल गेम है सर, अगर आप अपने डेडिकेशन से काम करते हो तो फिर ये प्यार वगैरह कुछ मायने नहीं रखता है। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू यश, धन्यवाद अपना किस्सा सुनाने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जी? सर माय नेम इज ध्रुव सोनी। ओ वाओ, सोनी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सोनी टीवी पे आ सकते हैं, और किसी चैनल पे तो नहीं जा सकते आप। तो जी सर, मेरी एक फरमाइश थी। अच्छा जी, क्या फरमाइश है आपकी? सर मेरी मम्मी इतने सालों से बोल रही थी कि मतलब सीख जाए धोती पहनना, तो मतलब मैं सर को देखा, मैंने जॉन सर को फिल्म में धोती पहने। हाँ तो फिर इसके लिए मैं सीखना चाहता हूँ धोती पहनना। धोती पहनना मुझे नहीं लगता उनको भी पहननी आती होगी। वो ड्रेस वाला जो है वो मुझे पहनाता है। वो पहनाता है हाँ। धोती है आपके पास? यस यस सर। धोती धोई है? हाँ। लाइए भाई, आपको आती है बांधनी? मुझे नहीं आता है। चलो आलो ट्राई करते हैं। इट्स वेरी सिंपल यार, आई एम श्योर। कितना लंबा है ध्रुव तू? एक्चुअली इजी है ना कपिल? हैं? यार यू होल्ड इट फ्रॉम वन साइड। अच्छा ये प्री स्टिच नहीं है? अभी ध्रुव कम। अच्छा कपिल आप ये सर आ जाओ, मैं वो सर जाता हूँ। अच्छा ये तो फिर आधा आधा। अच्छा आधा आधा। अच्छा ये सही है तो खींच के इसका घोटने दम लोड़े। दम लोड़े। पेट अंदर खींचो थोड़ा आप। और इसको ये जी आप बनाते हो जॉन भाई, मेरा थोड़ा स्टाइल ऐसा है, ये ऐसा तो मेरे को ये लगता है। कैसा लग रहा है आपको धोती पहन के? मजा आ रहा है? अब धोती के नीचे जो पहन है वो उतार दो अभी आप। चलिए धन्यवाद ध्रुव, थैंक यू। आइए आइए प्लीज। थैंक यू ध्रुव। ध्रुव आप मुंबई में रहते हो? यस yes, अकेला रहता हूँ। अकेले रहते हो, क्या फायदा है ऐसी जवानी का। आइए आपका स्वागत है। हाँ मैंने कहा था ना मत पहनो धोती, अब चला भी नहीं जा रहा। और कोई हमारे दोस्त ऐसी कोई फरमाइश हो जी भाई? अरे वाह, तो टी शर्ट भी पहननी है उन्होंने, सत्यमेव जयते की। ये हुसैन है फैन या हुसैन हमें बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा, और हमेशा ऑफिस आता है, मिलता है। हेलो कपिल सर, क्या हाल है जी? हेलो जॉन सर। हाय। हेलो मिलाप सर। हाय दिव्या मैम। हाय हुसैन। उनसे नाराजगी आपकी? हाँ। हाय अर्चना मैम। है? अच्छा है नाराज, मुझे लगा है नाराजगी क्या। जी जी, कहाँ से आए हुसैन आप? सर मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मेरी एक विश है कि मैं हमारी मूवीज के कुछ डायलॉग्स बोलना चाहता हूँ। अच्छा। कौन सी मूवी के? ये सत्यमेव जयते 2 के। अच्छा जी, आप बोलना चाहते हैं? यस सर। जॉन सर ने ठीक नहीं बोले? अच्छा आप बोल। मैंने देखा नॉर्मली जॉन के जितने भी फैंस हैं वो सब भी फॉलो करते हैं उनको, बॉडी बिल्डिंग में भी करते हैं। हाँ। आप भी करते हैं? जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वाओ सर, इधर आके। जी सर। इधर आके बोल दो आप, उधर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है थोड़ा। आइए आइए। किसका प्रॉब्लम है? नेटवर्क। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा नेटवर्क। आइए। पुलिस चाहती है मेरी कलाई का नाप हथकड़ी के लिए, जल्लाद चाहता है मेरे गले का नाप फांसी के लिए, और बेईमान डरता है सुनकर मेरे जिगरे का नाम 56 इंच। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको किसी ने भड़काया है। कोई नहीं चाहता, पुलिस वगैरह नहीं चाहती। और एक और हो जाए। जिस दिन हमारा देश हर किस्म के भ्रष्टाचार से आजाद होगा, ये आजाद उस दिन आजादी मनाएगा। वाओ, एक और बोलना है? हाँ सर। हाँ। मेरा फंडा डांडी नहीं, मेरा फंडा डंडा है, गांधी जी की हमेशा जय हो, लेकिन भगत सिंह मेरा बंदा है। वाओ। आप कुछ खाएंगे? थक गए होंगे, इतने डायलॉग बोले आपने बैक टू बैक, सारा ट्रेलर याद करके आया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे दो। अच्छा ये जो आपने इतने सारे डायलॉग्स याद करके रखे हैं, आपने अपनी मर्जी से किए, आप पे कोई सामाजिक दबाव है या? सर मैं एज अ डायट फैन प्रैक्टिस किए। नहीं बहुत अच्छी बात है यार, आप प्यार करते हैं जॉन को, ये दिखाई भी देता है। बहुत प्यार करता हूँ मैं सर, एक तभी वो आपको कुछ कह नहीं रहे। और कोई हो जाए।
सर ये डायलॉग जॉन सर कंगना मैम को बोलते हैं, तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है आदमी जिंदा रहता है, जैसे ही सीधी हुई आदमी खत्म। वो मनोहर सीधा था इसलिए मर गया, ये टेढ़ा है इसीलिए जिंदा है। वो को डरपोक था, ये ताकतवर और चालाक है। तेरी कायनात में है खुदा, तेरी कायनात में है खुदा, मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं, जो तसल्लिया मेरे दिल को दे मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। हाँ जी भाई साहब, पाप का कोई डायलॉग नहीं, याद तो उतना बोल दिया मैंने। नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, इट्स गुड, ये बहुत अच्छा यार, ये फैन है, ट्रू फैन है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रो। आइए और कोई हमारे दोस्त। जी भाई साहब। हेलो कपिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं श्रीमान शंकर देव की भूमि माँ कामाख्या की नगरी गुवाहाटी आसाम से, अरे बहुत बहुत स्वागत, संजय तुलसियान मेरे भतीजे कमल तुलसियान के साथ आया हूँ। ये आपके भतीजे? हाँ जी। आप तो दोनों दोस्त लगते हो। अच्छी है, तो आप ज्यादा फिट हैं कि ये ज्यादा बड़े हो रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। अब हमारी परंपरा रही है, जब भी हम कहीं जाते हैं, हमारे वहाँ कोई आते हैं तो हम उसका स्वागत असमिया फूलों गमछा से करते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपका, जॉन इब्राहिम साहब का, दिव्या जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, छोटा सा गिफ्ट देना चाहूंगा, आपकी आज्ञा हो तो। ये बहुत अच्छा है, वो गमछा से। जी जी जी, दोनों इब्राहिम जी हमारे वहाँ के कल्चर को अच्छे से जानते हैं, इनकी टीम हुआ है हमारी, मेरा फुटबॉल टीम गुवाहाटी में बेस्ड है। ओके ओके, आइए प्लीज। It's like a big mark of respect the Assamese do, the gamcha they put around their... Thank you sir, thank you, thank you. Thank you, thank you, thanks sir. थैंक यू, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम उम्र है, इनका अभिनंदन करे तो अच्छा लगेगा। सर, मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। जी सर। मैं सर्वप्रथम माता जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। किनको? अर्चना जी को बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, अच्छा मेरी मम्मी को। अच्छा मेरी मम्मी को बोल रहे हैं। इतने बड़े नायाब हीरे को पैदा किया। नहीं नहीं, जब पैदा किया था मैं छोटा ही था। नहीं, जब भी हीरे को पैदा किया तो आज आपके कुल का ही नहीं पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाई है, इसके लिए मैं इतनी प्योर हिंदी मम्मी के ऊपर से निकल गई। मैं कपिल सर से अनुरोध करूंगा वो सब परिवार आके माँ कामाख्या का दर्शन करे। धुबड़ी में गुरुद्वारा है, उसमें मत्था टेके, वहाँ की कल्चर को देखे, एक बार जरूर आपसे अनुरोध है। जरूर जरूर, डेफिनेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद। हमारी जो पूरी फुटबॉल टीम है उसमें फॉरेनर्स भी है, ब्राजील से, उरुग्वे से, सब लोग कामाख्या में जाते हैं पूजा करने के लिए और फिर गेम खेलते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। एक बार सत्यमेव जयते 2 के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोर से बजाओ। अरे माय गॉड, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, मैं हर डांडिया में आती थी आपके शो पे। फाल्गुनी पाठक है ना? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो तो डायरेक्टर है। मेरे को फाल्गुनी पाठक दिखते हो? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, डायरेक्टर है ना आप। नहीं भाई, सही लगे मेरे को। मैंने आप लोग की पिक्चर का ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत खुशी हुई। हाँ, और जो मेरे बाजू में रहते हैं ना, उन्होंने तो पूरी कॉलोनी में पेड़े बांटे। तो तू खुश हुई तो उसने क्यों मिठाई बांटी? नहीं, टेलर की खुशी तो मेरे को ही ना, उनके यहाँ लड़का हुआ था। और मिलाप जी कैसे आप? ठीक है। दिव्या जी कैसे आप? बिल्कुल ठीक। जॉन कैसे आप? कैफे क्या होता है? नहीं, मद्रास कैफे में काम करने से पूछी कैसे आप? गेस्ट के सामने कैसी बातें कर रही है तू? नहीं नहीं, गेस्ट के लिए तो मैं लाई ली है, मैं बहुत चीजें लाई आप लोग के लिए। ठीक है,
नहीं तभी तक पूछा नहीं तूने कप्पू, ये फ्रूट सजा के बैठ जाता है, ये क्या बेचने के लिए रखे क्या तूने? ये आपके लिए चाय है जॉन। थैंक यू। ये आपके लिए पनीर वाली चाय। ये पनीर की चाय कौन सी होती है? अरे वो टी सीरीज की मालकिन है बाबा, नॉर्मल दूध की चाय थोड़ी देंगे उनको। हाँ ये थोड़ी महंगी वाली है। और भूषण जीजू कैसे है? हाँ मैंने उनको देखा था उस दिन रेस्टोरेंट में, उधर बैठ के उधर कॉफी पी रहे थे। तो फिर क्या मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? अरे टी सीरीज के मालिक है, टी पीने का, कॉफी का पीने का यार। तू आज सारी बातें टी पे क्यों बना के लाई है? अच्छा उन्होंने टी पे इतने बंगले बना लिए, मैं टी पे दो चार जोक नहीं बना सकती हूँ? ये क्या बात हुई? खैर ये क्या है? ये सर ये खोए का लड्डू। ये तो बूंदी का लड्डू है। हाँ तो खो गया था ना किसी का, वही बोल रही है। खो गया था। हाय जॉन, वापिस लेके रखो इनका ये लड्डू, खाना मत, पता नहीं कहाँ से लाती है उठा के। नहीं खो गया था, साफ है। अच्छा ठीक है। हाँ ऐसा नहीं, आप हम लोग मैं डाइट पे हूँ तो मैं खा नहीं सकता। आप डाइट पे हो? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा मेरे को लगा नहीं था ऐसा। खैर जॉन कैसे है? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने जिस्म से लेकर हर किस्म तक आपकी सारी फिल्में देखी। और मैं उसके लिए आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, ये मेरी तरफ से आप रखो, पेट्रोल। पेट्रोल क्यों दे रही है? अरे पता क्या रहता है कप्पू, आम आदमी की बाइक का जब पेट्रोल खत्म होता है तो आम आदमी ऐसा ऐसा करके चेक करता है, ठीक है? इनकी बाइक का जब पेट्रोल खत्म होता है, प्रोमो में नहीं देखा, आदमी के साथ बाइक उठा लिया। अरे वो तो फिल्म में अपना एक्शन सीन कर रहे थे, ऐसा थोड़ी करते हो। अरे सीन से याद आया, मालूम है अभी जॉन के साथ बहुत बड़ा सीन हुआ पिछले महीने। क्या? अरे जॉन के घर पे बहुत बड़ी चोरी हुई। अच्छा? हाँ अरे चोर है ना, 80 की स्पीड में भागा, जॉन पीछे 100 की स्पीड में भागे, फिर भी चोर को नहीं पकड़ पाए। क्यों? ट्रेडमिल पे भाग रहे थे ना। इनका ऐसी रहता है, वर्कआउट इज डेडिकेशन, वर्कआउट नहीं छोड़ते चाहे चोरी कितनी भी हो जाए। हाँ कैसे हैं आप मैम? खैर मैं उधर गई थी टी सीरीज के ऑफिस में। मेरे को बहुत अच्छा लगा उधर, भूषण जी बैठे थे से कुछ दोस्तों के साथ में, कुछ गाने की बातें कर रहे थे, फिल्मों की बातें कर रहे थे, काम की बात तो कर ही नहीं रहे थे वो। अरे वही तो उनका काम है। अच्छा अच्छा हाँ वो गाने वालों के साथ ना, इनके तो मैं जाते ना सब बातें भी गाने में रहती है। अच्छा? हाँ मैं उस दिन टी सीरीज ऑफिस गई, मैं वॉचमैन को मिली, वॉचमैन मेरे को पूछता है आप यहाँ आए किस लिए? मैंने बोला मैडम ने बुलाया इसलिए। ऐसा हुआ। खैर मिलाप जी, मेरे को आपको पूछने का था, अभी आप इतने अच्छे डायरेक्टर है, बड़ी बड़ी आपने फिल्में लिखी है, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी पिक्चरें बनाएंगे, इधर आते हैं आप प्रमोशन करने, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? ये क्या बात बोल रही है? नहीं नहीं मेरा मतलब, हमने इन पे इतनी बातें लिखी, इन पे जोक लिखे इतने सारे, हमारे पे भी लिए कुछ लिखो, कुछ लिखो ना हमारे लिए, भले दो चार सीन लिख दो, क्या होता है उसमें? ऐसे थोड़ी कि इंसान में टैलेंट भी तो होना चाहिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बहुत टैलेंटेड है वो। अरे मैं तेरी बात कर रहा हूँ। ये मेरी बात कर रहा है। अब इतने बड़े बड़े लोग बैठे उनकी बात ना करना, मेरी बात काहे को कर रहा है तू? अपना कोई काम की बात कर लेना। हाँ काम की बात करूँ सर, वो वाला कैमरा है ना उस पे लाफ्टर देने का। हाँ नहीं तो एडिट पे लोग बहुत चीजें काट देते हैं। अभी 1 2 3 हंसी एक बार। एक और एक और। अरे बाबा एक और। देखा हो गया। अब ये मत बोलना मैंने मिलाप जी को नहीं हंसाया। खैर आपको मालूम है मेरा एक पार्लर था इधर जी, अलग अलग टाइप का मसाज रहता है हम लोग के पास में, तो आप लोग के लिए मसाज है, आपके लिए जॉन कार्डियो मसाज। हाँ बहुत कार्डियो करते है ना। हाँ कार्डियो मसाज में क्या रहता है, हम कस्टमर को तेल लगा के एक कार में बिठा देते हैं, फिर उसको बोलते हैं गाड़ी चला, वो गाड़ी चालू करता है, फिर उसका हम मसाज करते हैं 1 घंटे तक। एक घंटे बाद वो ऐसा उसको दिमाग में आता है यार ये तेल की पूरी बास आ रही है गाड़ी के अंदर, फिर मैं डीओ मारती हूँ सब। ऐसा हमारा कार्डियो मसाज रहता है। फिर एक और मसाज है हम लोग के पास, आपने देसी बॉयज किया था पीछे, देसी बॉयज मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, दो बॉयज आते हैं, उनको हम इसे ऐसे लिटाते इधर और बीच में एक देसी मुर्गा रख देते हैं। अब वो घंटों पड़े वो देख रहे, मुर्गा बोर हो जाता है और थोड़े टाइम बाद वो एक अंडा देता है, फिर वो हम अंडा बॉयल करते हैं, फिर उस पर नमक मिर्ची डालते हैं और बॉयज को खिलाते हैं। मसाज कहाँ है इसमें? अरे मसाज छोड़, ये सोच मुर्गे ने अंडा दिया कैसे।
की बड़ी बातें हैं। बाप रे, हमारे पास आपके लिए सर एक स्पेशल मसाज है। अच्छा। हाँ, मिलाप जवेरी मसाज। अच्छा। इसमें क्या होता है? इसमें मैं तेल लेके खड़ी हूँ, पीछे पता चलेगा। चलो एक बार जोरदार तालियां मिस्टर जॉन अब्राहम, दिव्या खोसला कुमार और मिलाप जावेरी के लिए। आइए सर। सो आपको आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कपिल सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारी फिल्म रिलीज हो गई जी कुछ दिनों पहले और पब्लिक को बहुत मजा आया और जितने पैसे टी सीरीज के पास थे उससे ज्यादा फिल्म ने कमाई है और जितने डोले जॉन इब्राहिम के उतनी बाइकें लोग उठा रहे हैं पूरे शहर में। थैंक यू टू द ऑडियंस एंड आई एम सो हैप्पी। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक भी कोविड वैक्सीनेशन जिनका नहीं हुआ है, वो प्लीज अपना जो है वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लें और अभी भी थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि अभी भी समस्या जो है वो टली नहीं है। तो आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।